सब तो पहला गल करांगे 12वीं दीआं प्रीख्यावां दी। जी हाँ, मुलतवी हो गई सन करोना दे करके, पर हुण जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबक जुलाई दे विच जो है 12वीं दे पेपर हो सकते ने। केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग दे विच पेपर करवाउण संबंधी जो है वह चर्चा हुई है। 1 जून नूं CBSE ICSE के 12वीं के पेपर दीआं तरीकां दा ऐलान किया जा सकता है। सूत्रां दे हवाले तो खबर सामने आई है। दस दिए कि अज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री निशंक पोखरियाल ते जो होर सूबियां दे सिक्ख्या मंत्री ने उन्हां दे नाल बैठक की गई। 25 मई तक सूबियां तो सुझाव मंगे गए ने। जबकि पंजाब दे वलों दी सिक्ख्या मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि इम्तिहान लैण तो पहला विद्यार्थियों की सुरक्षा यकीनी बनाई जाए। उधर प्रीख्यावां करवाउण दे पक्ष दे विच नहीं है दिल्ली सरकार। दिल्ली के सिक्ख्या मंत्री मनीष सिसोदिया ने सुझाव दिता है कि पिछले रिकॉर्ड के हिसाब के नाल विद्यार्थियों को पास कर दिता जाए। सो वख-वख सूबों के सिक्ख्या मंत्रियों के वलों भी सुझाव दिए गए हैं। तो मनिया जा रहा है कि जुलाई के जो है 12वीं दीआं परीक्षावां हो सकदियां ने, यानी कि पेपर रद्द नहीं होणगे। हाले तक सिर्फ मुलतवी होए ने। केंद्रीय मंत्रियों के वलों की यह मीटिंग जो है वह की गई उच्च पद्धरी मीटिंग सी, जिस बाकी सूबों के सिक्ख्या मंत्री जो ने उन्होंने भी अपने सुझाव दिए। हालांकि 25 मई तक सारियां दे सुझाव जो ने वो मंगे गए ने। पंजाब दे वलों दी सिक्ख्या मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि इम्तिहाना तो पहला जो है बच्चों की सुरक्षा नूं यकीनी बनाया जाए, तो नाल ही अध्यापकों की सुरक्षा नूं भी यकीनी बनाया जाए जे पेपर लए जांदे ने। हालांकि दिल्ली सरकार जो है परीक्षावां करवाउण दे पक्ष विच नहीं है। दिल्ली दे सिक्ख्या मंत्री ने सुझाव दिता है कि पिछले रिकॉर्ड के हिसाब के नाल, यानी जिहड़ी पिछली असैसमेंट है उसके हिसाब के नाल ही विद्यार्थियों को पास कर दिता जाए। इस बारे होर ज़्यादा जानकारी देने के लिए साढ़े सहयोगी नेहा शर्मा साढ़े नाल जुड़ गए हैं फोन लाइन के उत्ते। नेहा, गल की जाए तो लगातार जो है क्यास चल रहे सन कि शायद अज ये जो मीटिंग हो रही है इस दे विच तरीकां दा ऐलान हो सकता है, पर तरीकां दे लई 1 जून तक का इंतजार करना होगा। तो यह भी साफ हो गया कि पेपर जो ने 12वीं के वो रद्द नहीं होणगे। बिल्कुल गुरप्रीत, अज जिस तरीके से एक मैराथन मीटिंग चली हैगी है और जिन्हें भी जो स्टेक होल्डर्स है सन वो सब इस मौजूद सन, और एक गल तो साफ हो चुकी है गुरप्रीत की जो एग्जाम्स होंगे 12वीं के वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन स्टेट्स नूं और यूनियन टेरिटरी सारे नूं एक होर मौका दिता गया हैगा कि 25 तरीक तक अपने सजेशन हैगे ने वो तुसी जिहड़ा हैगा वो जरूर केंद्र सरकार नूं जिहड़ा हैगा वो दे दो। उस तो बाद केंद्र सरकार जिहड़ी हैगी वो निर्णय लेवेगी कि एग्जाम्स किद्दां करवा रहे हैं, क्योंकि अगर CBSE की गल की जाए या ICSE की गल की जाए गुरप्रीत तो उस साफ हो चुके हैं और सूत्र भी यही दस रहे हैं कि एग्जाम्स तो उनको होंगे ही, लेकिन फॉर्मेट जिहड़ा हैगा उस दे उत्ते सरकार जिहड़ा हैगा काम करेगी। और अगर पंजाब सरकार की गल की जाए तो पंजाब सरकार दे वल्लों भी यही किया गया है कि इस वेले हैगा जो बच्चों की सुरक्षा जिहड़ी हैगी है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हैगी है, और जो सजेशन पंजाब सरकार दे वल्लों गुरप्रीत दिए गए ने वो दिए गए ने कि कोविड प्रोटोकॉल्स नूं पूरा फॉलो करते हुए जिहड़े 12वीं दे 3 सब्जेक्ट्स हुंदे ने उहनां दे ही प्रीख्यावां कीतियां जाण। सो यह वाली चीज का जोड़ा है सजेशन वो 25 तक होर भी भेजा जाएगा कि किस तरीके फॉर्मेट की हो सकता है। यह तो बिल्कुल साफ हो चुके हैं कि एग्जाम जोड़े ने हूँ पोस्टपोन होर नहीं होंगे और जल्द ही जोड़े है तरीका ऐलानिया जाएंगे कि कदों होंगे एग्जाम, लेकिन फॉर्मेट के उत्ते फिलहाल जोड़ा है वो कम हो रहा है कि किस तरीके होंगे। जिस तरीके पंजाब सरकार ने कहा कि 3 ही इलेक्टिव जोड़े सब्जेक्ट्स ने वो एग्जाम हो, उस होगा कि जो बच्चे है अगर एग्जाम जो देने आएंगे बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल्स दे फॉलो किए जाएंगे जिन्हें भी प्रिकॉशंस हैगिया ने, और इस कारण हूँ जोड़ा है 25 तरीक तक जोड़ी हैगी है पंजाब सरकार और बाकी सारे सूबा सरकार जोड़िया ने वो केंद्र सरकार को अपने सुझाव भेजन गया। उस तो बाद निर्णय होगा कि कदों सुरक्षा किस तरह रखी जाएगी, कोविड प्रोटोकॉल का किवें जो है पालन किया जाएगा, इस सारिया गलों के उत्ते चर्चा की गई है। सुझाव जो ने सूबा सरकार तो 25 मई तक मंगे गए। तो केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री मीडिया के मुखातब हो रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं वो भी थानू सुना दें। इसी में हमको रास्ते भी निकालने हैं, हम आपका भविष्य, हमने पिछले वर्ष भी
हम दुनिया का वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हैं जिसने अपने बच्चों का एक वर्ष खराब नहीं जाने दिया था, और सारी दुनिया ने इस बात को देखा है। और हमने आपकी सुरक्षा हमारे लिए हर हालत में आपकी सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, और इसलिए फिर मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और जो भी निर्णय होगा वो आपके हित में होगा, आपके जीवन के सुरक्षा की दृष्टि से होगा और आपके भविष्य में आपके भविष्य को लेकर के होगा। मैं एक बार फिर सभी अभिभावकों का, अध्यापकगण का, मेरे छात्र छात्राओं आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आज मैं विशेष करके अपने देश के रक्षा मंत्री जी जो केंद्र में कई बार विभिन्न मंत्रालयों का जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, और जो उत्तर प्रदेश में याद आता है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में भी मंत्री रहा हूँ, वो ऐसे ऐतिहासिक शिक्षा मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री तो थे ही, आज उनके सानिध्य में पूरे देश का शिक्षा तंत्र ने पूरा बहुत देर तक विचार विमर्श किया है, बहुत ही सार्थक पूरा देश के शिक्षा सभी राज्य एकजुट है, मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता होती है। और मैं सभी राज्यों को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, और मेरे जो सहयोगी मंत्री आदरणीय जावड़ेकर जी और आदरणीय स्मृति रानी जी को भी मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक बार आपको शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।